लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बत्तीसवीं बटालियन में प्रधान आरक्षक की संदिग्ध मौत का मामला हत्या में तब्दील हो गया है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पत्नी ही निकली है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। शनिवार को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका खुलासा किया। दरअसल 32वीं बटालियन में रहने वाले प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह की शुक्रवार को घर की छत पर बेहोशी की हालत में लाश मिली थी। परिजनों द्वारा बताने पर बटालियन के जवान उसे जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। चूंकि मृतक प्रधान आरक्षक के सिर और शरीर पर चोट के निशान थे, लिहाजा उसकी मौत को संदिग्ध मानकर पुलिस ने जांच शुरू की और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट से पता चला कि प्रधान आरक्षक की गला घोटकर हत्या की गई है। इस पर उसकी पत्नी रेखा से पूछताछ की तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करना कबूल लिया। एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह के मुताबिक मृतक प्रधान आरक्षक बलवीर को 2 शादी पूर्व में हो चुकी थी, जिसमें पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी जबकि दूसरी की हादसे में मौत हुई थी। बलवीर ने 2003 में रेखा से शादी की, उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। कुछ महीनों से मृतक की पत्नी रेखा की पहचान CRPF में पदस्थ युवक रवि कुमार से हो गई थी। बाद में उनके बीच अवैध संबंध हो गए थे, लिहाजा दोनों ने मिलकर प्रधान आरक्षक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके लिए दोनों ने मृतक का 40 लाख का बीमा करवाया और 45,000 रुपये की प्रीमियम भरने के लिए दोनों ने 25,000 और 20,000 रुपये इकट्ठा कर जमा कराए थे। घटना वाले दिन मृतक की पत्नी ने प्रेमी रवि को घर बुलाकर छिपा दिया और रात में प्रधान आरक्षक पति बलवीर की गला घोटकर हत्या कर दी और लाश को छत पर लाकर लिटा दिया। ये दिखाने की कोशिश की डेथ नेचुरल है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी रेखा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। उनको सुबह थाना माधवनगर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 32 बटालियन उज्जैन का जो कैंपस है उसमें एक कर्मचारी प्रधानाधीक्षक बलबीर जो यहाँ कोरोना की ड्यूटी में तैनात था, उसकी डेड बॉडी जो क्वार्टर है उसके ऊपर मिली है। इस सूचना के आधार पर थाना माधवनगर में मर्ग कायम किया गया। जब मर्ग का इंस्पेक्शन घटनास्थल का और डेड बॉडी का परीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टिया परिस्थितियाँ असामान्य अननेचुरल मिली। इसके आधार पर जांच पड़ताल की गई और घटनास्थल पर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री राकेश गुप्ता साहब, DIG महोदय श्री मनीष कपूरिया साहब, SP महोदय श्री मनोज सिंह साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां बारीकी से घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया। FSL की टीम से बारीकी से इंस्पेक्शन किया गया और वहां के जो आसपास के पड़ोस के लोग, परिजन और मृतक की पत्नी, सभी से पूछताछ की गई। इन पूछताछ के आधार पर ये स्थापित हुआ कि प्रथम दृष्टिया ये जो घटना है वो षड्यंत्र पूर्वक पूर्व नियोजित ढंग से इसको कारित किया गया है और जानबूझ के हत्या करते हुए डेड बॉडी को एक नेचुरल स्वरूप देने के लिए छत पर रखा गया है। इस आधार पर थाना माधवनगर में एक 302-201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूरे मामले में जब डिटेल इंट्रोगेशन मृतक की पत्नी रेखा से किया गया तो मृतक की पत्नी ने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। साथ में जो इसका मुख्य जो मास्टरमाइंड है रवि का भी घटना में संलिप्त होना स्वीकार किया है। रवि मूल रूप से उमरिया जिले का रहने वाला है और CRPF जगदलपुर में तैनात है। यहाँ आकर के योजना के तहत उज्जैन आया और इस पूरी घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद यहाँ से फरार हो गया है। इस मुख्य आरोपी रवि को गिरफ्तार करने के लिए माधवनगर की टीम को उमरिया और शहडोल भेजा गया है और इसके अलावा अन्य जो परिवार के लोग हैं, अन्य आरोपियों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है और अन्य जो इन्वॉल्वमेंट है उनके संबंध में भी पतासाजी की जा रही है। साथ में अगर इसमें और जो परिजन हैं या किस तरह से आरोपी यहाँ किस ढंग से किस वाहन से आए, कहाँ रुके, इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जल्दी इसमें और भी। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।